जय श्री राम। मैं मनोज निषाद अयोध्या वाले आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूं विश्व का सबसे बड़ा अगरबत्ती, और इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे बना है, किस चीज़ों से बना है, पूरी जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो ले कर चलते हैं हम अपने बैक कैमरे से। तो दोस्तों, ये धूप बत्ती वडोदरा से यानी गुजरात से चल के और इस समय पंचशील होटल के पास खड़ी है, और आप सभी को दिखाते हैं किस तरह से और कितना है। 108 फीट इसकी लंबाई है, और ये देख सकते हैं कहां से आया है। पूरी इसमें मोबाइल नंबर सब इसमें लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं किस तरह से इसको सजा के लाया गया है, और कितनी खूबसूरत इसकी सजावट है। और ये देखो, ऊपरी अगर आप देखेंगे तो इसमें मंदिर का स्वरूप एक डिज़ाइन दिया गया है। और इसको देखने के लिए कहां से लोग बहुत इसको फोटो निकाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से इसको देखने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जाम लग गया है इसको देखने के लिए, किस तरह से वीडियो बन रही है इसकी। आप देखते होंगे कितना ज़्यादा भीड़ लगी है और किस तरह से ये दिख रही है, कितनी लंबी है इसकी। ये देखिए दोस्तों, इसका मंदिर का स्वरूप दिखाया गया है। ये देखिए, धूप बत्ती के साथ में हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं। और तो दोस्तों, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये सामने से यही है, यहाँ से इसे जलाया जाएगा और अयोध्या पूरा एक सुगंधित होने वाला है। और 22 जनवरी को आप भी इंतज़ार करिए किस तरह ये महकेगा पूरी अयोध्या इस धूप बत्ती से। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से लोग इस पे वीडियो और फोटो सब बना रहे हैं। एक साइड में दिखा चुका हूँ, अब आप सभी को लेके चलता हूँ दूसरे साइड में, दिखाता हूँ किस तरह से इसमें दिया गया है। और ये देखिए, 108 फीट लंबी है, और इसका सारा चीज इसमें बताया गया है। इसमें रामायण काल की सीने दर्शाई गई है, लक्ष्मण जी, सीता जी, राम और सारे देख सेवरी का भी इसमें दर्शाया गया है। एक ये इनके साथ आए हैं, जो मोम आई है धूप बत्ती उनके साथ ही आए हैं। तो मैं बता दूं, इस धूप बत्ती को बनाने में 6 महीने लगे हैं, और इसको 18 से 20 कारीगरों ने मिल के बनाया है। इसको 3610 किलो इसकी वजन है, और इसको गाय के गोबर में बना है, घी में बना है, और बहुत ही सुगंधित चीज़ों से इसे बनाया गया है। और इसे बनाने वाले का भी मैं एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूं, और मुख्य जो इसको बनाने वाले हैं यही हैं, ये आप देख सकते हैं फोटो में। और इनका ये नाम है, इन्हीं द्वारा बनाया गया है, इन्हीं द्वारा भेंट किया गया है श्री रामचंद्र जी के मंदिर में। और ये सुगंधित होने वाला है लमसम, ये 1.5 महीने लमसम चलने वाली है ये अयोध्या में, और पूरी अयोध्या भक्तिमय होने वाला है। तो दोस्तों, अब लेके चलता हूँ आप सभी को ऊपरी। ये देखिए, और यहाँ पे है इसका जो फ्रेम है, ये फ्रेम है इसका, और ये इसमें रखा गया है। और ऊपरी दिखाता हूँ खाली थोड़ा सा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, मैं गाड़ी पे अभी दिखा रहा हूँ किस तरह से है और कितना लंबा है। और ये इन्हीं सब आए हैं इसके साथ। तो दोस्तों, और मेरी ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना,
मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।